गुड मॉर्निंग फ्रॉम भरीचे। अब यहाँ से हमारा स्केड्यूल है, या तो हम पहुँचेंगे फोर से थांगा, टारगेट है वैसे हमारा नामचे बाज़ार, लेकिन 14 आवर्स दिखा रहा है, जो प्रैक्टिकल लगता नहीं मुझे, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे। और अभी अभी मैंने देखा यार, जब मैं शूज़ पहन रहा था मेरे पैर में कट लगा हुआ है, कल पूरा टाइम चलते हुए मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये कब लग गया। अब मुझे बैंडेड लगानी पड़ेगी उस पर। और साइकोलॉजी के लिए देखो ज़रा कि जब मैंने कट दिखा उसके बाद मुझे दर्द होने शुरू हुई, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था हो क्या रहा है उस पर। तो बस अब मैं ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ और यहाँ से निकलेंगे, लेकिन आज का मौसम बड़ा क्लियर है। कल तो रात को धुंधी धुंध हो गई थी, आज ज़बरदस्त सूरज निकला हुआ है तो मज़ा आएगा चलने में। चलो सही, ब्रेकफास्ट खाता हूँ, निकलते हैं यहाँ से फिर। फटी बढ़िया घोड़ी की भी, हाँ। लड़की की भी। जब मैं 5 दिन पहले दबूचे से दिंगबोचे के लिए निकला था, यही रूट मैंने लिया था, और मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे कितने मस्त बर्फीले पहाड़ थे, मतलब क्या ज़बरदस्त व्यू था। लेकिन अभी इस टाइम देखो क्या है हालत, सब कुछ ही क्लाउडी है। तो जो भी ऊपर जा रहा है, जो मिल रहा है, वो यही कह रहा है कि वेदर इस टाइम तो साथ नहीं दे रहा है। तो मैं बहुत अच्छे टाइम पे हो आया ऊपर, बहुत अच्छा टाइम भी नहीं कहूँगा, मतलब स्नो पैक तो था ही हर चीज़ जब मैं ऊपर था। मुझे कोंगमाला में और EBC पे बर्फ़ मिली अच्छी वाली, आई थिंक लोगों को भी मिलेगी और उससे बेहतरीन वाली मिलेगी। लेकिन हाँ, मेरे को व्यूज़ उस टाइम जाते हुए ना अब से बेटर मिले थे, और मेरे को सारे स्नो कैप माउंटेंस यहाँ से दिख रहे थे। तो अभी बैड लक लोगों के लिए जो आ रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा उनको, सिर्फ रास्ता और जो स्नो कैप पीक्स नहीं दिख रही, मतलब बाकी सब कुछ तो दिख ही रहा है ऑब्वियसली। तो बढ़िया, मैं अब से हम 4 घंटे हो गए चलते चलते, वैसे हम जब से निकले परिचय से, और हमारा पहला स्टॉप होगा फुंगी थांगा, वहाँ हम खाएंगे कुछ क्योंकि भूख लगी होगी। चार अब से 1-1.5 घंटा और लगेगा पहुँचने में वहाँ पर शायद, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आज हम नामचे के लिए पुश कर सकते हैं या नहीं। कर पाएंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे बेकरी है, वहाँ जाके एक चीज़ सैंडविच खाना है जो मुझे लास्ट टाइम बहुत टेस्टी लगा था, प्लस हॉट चॉकलेट। भाई टाइम एक और ब्रिज क्रॉस करने का, देखो वापस उसी जंगल वाले रास्ते पे आ गए हम। दिबोचे से जब हम निकले थे तो ऐसा ही था, कीचड़ से भरा जंगल वाला रास्ता, दिखाता हूँ आपको आगे। तो इसी को क्रॉस करके हमें जाना है न्यू एवरेस्ट रिजॉर्ट, या न्यू एवरेस्ट होटल जो भी था, जहाँ पे हम रुके थे दिबोचे, आई थिंक ये 3rd या 4th थे, एंड वहीं पे करेंगे अपना लंच, फिर एनालाइज करेंगे भाई कि हम नामचे आज पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते। लंच टाइम, फाइनली पहुँच चुके हैं हम न्यू एवरेस्ट होटल, न्यू एवरेस्ट लॉन्च। हाँ, न्यू एवरेस्ट लॉन्च ये है दिबोचे में, एंड अंदर जाके देने वाला मैं ऑर्डर 2 वेज चीज सैंडविच का, एंड मेरा फ्रेंड मिला यहाँ पे। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड हाउ वाज योर ट्रिक? इट वाज एक्सीलेंट। हेलो हेलो, सेम लाइक दो। हाँ, दिस इज सैंडविच, वेज चीज सैंडविच ब्रदर, 2 वेज चीज सैंडविच। भाई जंगल वाला जो रूट है ना इनका, बहुत ही प्यारा और शांत रूट है, क्योंकि ये कनेक्टेड है मोनेस्ट्री से, जो है पेंगबोचे मोनेस्ट्री। एंड यहाँ पे जरा हालत देखो क्या हो गई है, बादल हैं, फॉग है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन 12:30 हुए हैं और ऐसा मौसम है अभी। बहुत लोग ऊपर जा रहे हैं, पूछ रहे थे भाई कैसा रहा कैसा रहा,
मैं कह भाई क्या ही डरा हूँ, बता दिया भाई बर्फ़ पड़ रही है तो देख लो। और सरप्राइजिंगली जो भी आ रहा है बता रहा है किसी को लुक लगी फ्लाइट नहीं मिली है। मे बी जो हमारी फ़्लाइट थी ना वो लास्ट फ्लाइट थी जो वहाँ से उड़ी थी, उसके बाद सब हेलीकॉप्टर से आए हैं। बताओ अभी भी हम सोच रहे थे उसको प्रीपोन करा दें क्योंकि हम टाइम से 4 दिन पहले पहुँचेंगे लुकला, होपफुली जो प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो, नहीं तो 3 दिन पहले तो पहुँच ही जाएंगे वैसे भी। लेकिन सब कह रहे हैं कि फ़्लाइट उड़ नहीं रही है, वहाँ जाके पता लगेगा भाई क्या हो रहा है, सारा सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो याक्स आ रही है, उनको मैं ज़रा रास्ता देता हूँ और मैं बढ़ता हूँ मॉनेस्ट्री की तरफ क्योंकि वहाँ से सारा डाउनहिल स्टार्ट है, तो थोड़ी स्पीड पकड़ूँगा। भाई हाल देखो 12:30 बजे मॉनेस्ट्री का, फॉग ही फॉग है। हेलो नमस्ते, लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे ना कितनी क्लियर विजिबिलिटी थी, अब यहाँ देखो कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा मुझे। हम कौन सी जगह पहुँच चुके हैं अभी, फोरसेथांगा क्या कौन सी कहाँ पे, कौन सी जगह है ये, फुंकीथांगा। फाइनली भाई आज हम फुंकीथांगा पहुँच चुके हैं, दिखा रहे हैं अपने परमिट। ओ अच्छा मैं मिसिंग वाले दिखा सकता हूँ ये। और भाई यहाँ पे एक एडवाइजरी है कि तुम आते हो तो कोई गाइड पोर्टर वगैरह ले लो, नहीं तो देखो लोग मिसिंग भी जाते हैं यहाँ से। मे बी नहीं मेरे पास है पोर्टर है, वो एक मेरी फ्रेंड आ रही है तो उसके साथ विष्णु आ रहा है ऊपर से आ रहा है, एक और फ्रेंड आ रही है वो भी दिखाएगी ना परमिट अपने, तो उनके साथ ही है वो। भाई परमिट का काम डन और अब मैं निकल रहा हूँ नीचे नामचे बाज़ार की ओर। आते होते यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था डाउन हिल है लेकिन जाते और वाट लग रही है, देखो सर आप हिल हो गया रास्ता, वाह वाह। बस ये आई थिंक 1 घंटे का और ऐसा रास्ता है, अब हिल ये ख़त्म हुआ तो आज का चैलेंज ख़त्म हुआ, फिर सारा फ्लैट रास्ता है नामचे बाज़ार तक और फिर हम जाके खाएंगे चॉकलेट ब्राउनी एंड चीज़ सैंडविच, उसी की लालच में आज हम नामचे जा रहे हैं, नहीं तो हम से बताएं यहीं रुक सकते थे लेकिन नहीं, वी हैव टाइम वी विल डू इट। भाई वाट लगती है अब हिल जाने में, तो सबसे पहले तो जैकेट उतार रहा हूँ मैं क्योंकि जैकेट में बहुत गर्मी लग रही है, तो बैग में ठूसूँ और फिर बढ़ना है ऊपर, 1 से 1.5 घंटे का रास्ता होगा अप हिल का। भाई मेरे को ना जाते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखी है जो मुझे पहले दिखी ही नहीं, एडमिट हिलेरी ने फॉरेस्ट नर्सरी यहाँ पे बनाई थी। सी मैं दिखाता हूँ अगर दूर से दिख रही हो तो, 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको, अभी तो ताला वगैरह लगा हुआ है कुछ है नहीं यहाँ पे, लेकिन हाँ नर्सरी है अंदर, तो कितना अमेजिंग है यार ये मैंने पहले कैसे मिस कर दिया, अभी किसी ने पॉइंट आउट किया इसके बारे में थोड़ी बात करूँ वीडियो पे। ग्रेट कुछ तो दिखे उनकी निशानी, एंड बाय द वे कोई पूछ रहा है कौन, तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था विद टेनजिंग नॉर्गे। कोहरे की हद देखनी है जरा, तो ये देखो इस जो छोटे ऐसे एरिया में मैं खड़ा हूँ ना बस यहीं कोहरा नहीं है, बाकी देखो अंदर फॉरेस्ट एरिया से जो आए हैं भाई विजिबिलिटी 0, मुझे आगे समझ नहीं आ रहा क्या है क्या, जाना कहाँ से है, ऊपर है नीचे सीढ़ी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 1 घंटे का रास्ता और रह गया हमारा नामचे बाज़ार का और फिर चॉकलेट ब्राउनी और चीज़ सैंडविच, यही मेरे दिमाग में घूम रहा है अभी तो। पहुंच गए फाइनली हम नामचे बाज़ार और आए हैं सेम होटल में, होटल कमल, अब अंदर जाके करते हैं रूम की बात।
Hello, how are you? Good, how are you? Not good. Walked a lot. अब मुझे यहाँ दे दो रूम पे सामने नीचे नीचे मत जाना बहुत नीचे हो चुका हूँ. It's packed. Whole packed? No, others is attached room. Okay, we need two वाला room, two beds वाला. Yeah, two bedroom is only one floor down. Okay. नीचे ही मिलेगा, नीचे जाना पड़ेगा.